बच्चों तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है जो भी नया बच्चा हो चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए थोड़ा क्वालिटी बढ़ा दीजिए सर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए जो भी नया बच्चा हो है ना बाकी सब लोग जल्दी से आ जाइए भाई हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दीजिएगा आज की क्लास थोड़ा सा फास्ट चलाएंगे क्योंकि क्वेश्चन क्यों आज मैंने बहुत सारे लिए हैं जो आपके एग्जाम में अट्ठाइस फरवरी या मार्च में क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग जितने भी ट्रेड्स के हैं उन सब के भी क्वेश्चन खासकर एन और जी को ध्यान में रखते हुए ठीक है बाकी जितने बच्चे सभी आ जाइए आप लोग क्लासेस बिल्कुल भी रेडी है हम लोग तैयार होने के लिए पढ़ाने के लिए ठीक है जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ग्रुप में भाई अभी बच्चे आए नहीं है भैया सभी के सभी कहां रह गए सबके सब, सब भाई मैंने बोला था सभी के सभी को आना है पढ़ने के लिए है ना जी ये सारी डि डिटेल्स बेटा मैं क्लास के बाद दे दूंगा कि कब कौन सा एग्जाम और कौन से ट्रेड का कहां पर किस समय होने वाला है अभी जो है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और पढ़ाई कर लीजिए ठीक है चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से पहला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे कौन सा है कह रहा है यहां पे कि भारतीय सेना में मेजर जनरल की रैंक किसके समतुल्य होती है एक सवाल यहां से आपके एग्जाम में बनता है ठीक है एक सवाल यहां से आपके बनता है या तो मिसाइल से सवाल आपके एग्जाम में बनेगा या तो जो रैंक वाले क्वेश्चन है वो यहां से आपके क्वेश्चंस के एग्जाम में बनेंगे तो जल्दी बताइए कि भारतीय सेना में मेजर जनरल किसके इक्वल होता है यहां से जल्दी बताइए भाई भारतीय सेना के मेजर जनरल किसके इक्वल होता है यहां पे ठीक है एक मिनट जरा आंसर बताइएगा राहुल सर आ, मैं दूसरी इसमें मुझे लगता है कि हिंदी में ही कर दिया गया है बाइलिंगुअल वाला जो है वो नहीं है मैं दूसरी भेज रहा हूँ आप आइए जरा लगा दीजिए आके बच्चों जरा एक मिनट रुकिएगा बाइलिंगुअल वाली जो है वो आ, मैं लगवा रहा हूँ एक्चुअली ये सिर्फ हिंदी वाली लग चुकी है आप लोग बस एक मिनट रहिएगा अभी लग जाएगी दूसरी वाली भी ठीक है हूँ एक मिनट में भेज रहा हूँ पहले इसमें एक मिनट बच्चों परेशान मत होइएगा जरा मैं बाइलिंगल वाली यहां पर लगवाता हूं हाँ हिंदी के साथ इंग्लिश वाली भी बस अभी लगवा रहा हूं एक मिनट आप लोग कहीं जाइएगा नहीं आइए सर लगा दीजिए जरा वो मैंने उसमें भेज दिया हुआ गड़बड़ हो गई ना वो हिंदी वाली लग गई उसमें बस परेशान मत होइए आप लोग सभी आ, आते जाइए जल्दी से है ना बस ये वाली पीपीटी लगवा रहा हूं जिसमें बायिंग बेटा लिखा हुआ है ठीक है उसमें थोड़ा सा हिंदी वाली वो गलती से लग गई थी तो उसमें लग रहा है ज्योति उप्रेती गुड आफ्टर राम नाइक आज की क्लास इंग्लिश में नहीं है सर बिल्कुल इंग्लिश में है बेटा अभी आ रही तुरंत इंग्लिश में क्लास आपकी आ रही है वो गलती से थोड़ा सा बाइलिंगल नहीं वो हिंदी वाला लग गया था ट्रांसलेशन वाला नहीं लगा था साक्षी तिवारी ठीक है बेटा अंकुश इंदौर शोहन कुमार अरुण कुमार है ना संजीव कुमार अंकुश इंदौर बस तुरंत लग रहा है बेटा बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए ठीक है बस आ गया तुरंत यहां से है ना ये आ गया बेटा देखिए यहाँ पे ये अब आ गया इंग्लिश बायलिंगुअल आ गया यहाँ पर ठीक है तो जल्दी से आ जाइए सभी लोग अभी ग्रुप के बच्चे सारे के सारे आए नहीं है बेटा ठीक है हाँ बिल्कुल सही बात है आगरा वगैरह से आए हो बहुत अच्छी बात बेटा आगरा बहुत अच्छी जगह है है ना तो जल्दी से सभी चलिए अब बताइए आंसर क्या होता है कि भारतीय सेना में मेजर जनरल की रैंक किसके इक्वल होती है द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन द इंडियन आर्मी इक्विवेलेंट टू इसमें से किसके इक्विवेलेंट होती है मेजर जनरल रैंक यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा पूछा जाता है ठीक है एक क्वेश्चन यहां से डिफेंस से आपके आर्मी की कोई भी ट्रेड हो यहां से क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा और पूछा जाएगा तो आपको पता मेजर जनरल जो है वो नौसेना में रियर एडमिरल के बराबर होता है किसके बराबर होता है रियर एडमिरल के बराबर होता है यहां से तो रियर एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी तो रियर एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी दोनों होंगे अगर हम बात करें कि अगर आर्मी का जनरल है तो वो किसके बराबर होगा वो एडमिरल के बराबर होगा अगर आर्मी का जनरल है तो वो एडमिरल के बराबर होगा ठीक है आपने देखा होगा लिखा है कि एडमिरल करमवीर सिंह है ना तो यहां से आंसर आप लोग ये लगाओगे अभी सभी बच्चे आए नहीं जल्दी से आप लोग ग्रुप वाले बच्चों से मैं कह रहा हूं फटाफट आ जाइए सभी लोग मुझे नाम पता है कौन सा बच्चा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा अभी आप लोग ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा हम लोग कह रहे हैं रानी की वाव बाबड़ी को हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के रूप में अनुमोदित किया गया है या कहा है रानी की वाव ठीक है रानी की वाव आपने देखा होगा कि सौ रुपए के नोट पर जो चिन्ह बना होता है वो रानी की वाव है कहां होता है ये जो सौ रुपए का नोट होता है है ना उसके पीछे आप लोग देखिएगा सबके पास सौ रुपए की नोट होंगी नहीं होंगी तो जब आएगी तब देख लीजिएगा तो रानी की वाव ये सौ रुपए की नोट ये कहां पड़ता है जल्दी से बताइए रानी की वाव ठीक है ये एक बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है ये भी याद रखिएगा बेटा कि ये बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है ये ठीक है ये बावड़ी सीढ़ी सीढ़ीदार कुआं है और ये कहां पड़ता है बेटा ये पड़ता है गुजरात में पड़ता है कहां पड़ता है गुजरात में पड़ता है इसको 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसमें बेटा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है तो ये आंसर क्या होगा इसका गुजरात ये सवाल आ चुका है एग्जाम में बेटा यहां से ठीक है है अगला देखिए कह रहा है, अरिहंत क्या है वॉट इज अरिहंत अरिहंत क्या है बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है वायु वाहित पूर्व चेतावनी और नियंत्रण है यहां से मानवहीन सैन्यवाहक है या फिर नाभिकीय संयुक्त रूप प्रक्षेपात्र पंडुबी है ठीक है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ठीक है एयरबॉर्न जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम है अनमैंड मिलिट्री कैरियर है न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबरीन जल्दी से सभी बच्चे बताइए अभी सभी लोग आए नहीं है बच्चों यहां से ठीक है सभी बच्चे फटाफट आंसर बताएंगे कि अरिहंत क्या है जो भी बच्चा नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा जिससे सारी सारी वीडियोस आपके पास नोट्स जो भी चीजें हैं सब आपको मिलती रहेंगी अरिहंत क्या अरिहंत के नाभिकीय शक्ति युक्त प्रक्षे पात्र पंडुबी है किसी ने आंसर डी दिया हुआ है क्या किसी ने आंसर किसी बच्चे हाँ बिल्कुल करण मौर्य ने डी आंसर दिया है विकास का डी आंसर आया है कश्मीर डी आंसर आया है ठीक है तो सभी बच्चों का यहां पर लगभग लगभग डी आंसर आया है। तो क्या होगा नाभिकीय शक्ति युक्त प्रक्षेपात्र पंडुबी मतलब न्यूक्लियर पावर मिसाइल सबमरीन है कौन सी अरिहंत है बेटा यहां से ठीक है अगला देखिए लिखा है आंतरिक सुरक्षा अकेडमी कहां स्थित है वेयर इज द इंटरनल सिक्योरिटी अकेडमी जैसे आपके एग्जाम में आई पूछा जाता है कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ है ठीक है आपका पूछा जाता है एनडीए कहा नेशनल डिफेंस अकेडमी कहाँ है तो नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में है आई एम ए कहा है? में है तो इसी तरीके से आपसे पूछा गया है इंटरनल सिक्योरिटी जो अकेडमी है वो कहां पर है यहां से छोटू यादव जी मैंने आपका नाम ले लिया बेटा तो यहां से बताइए कि आंतरिक सुरक्षा अकेडमी जो है वो कहां सिचुएटेड है ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है तो ये माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में सिचुएटेड है आंतरिक सुरक्षा एकेडमी बेटा है कहां स्थित है माउंट आबू राजस्थान में स्थित है ठीक है अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कह रहा है रोहिंग्या किस देश में अल्पसंख्यक है आप देखते होंगे कि बांग्लादेश में बहुत ज्यादा रोहिंग्या वाला मामला चल रहा होता है तो एक सवाल यह भी एग्जाम में आपके आ चुका है कि रोहिंग्या किस देश में अल्पसंख्यक है ठीक है तो रोहिंग्या इज अ माइनॉरिटी इन विच कंट्री दक्षिण अफ्रीका कनाडा म्यांमार भूटान कहां पर है जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर ए दक्षिण अफ्रीका बहुत सारे बच्चों ने दिया है सी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया सी इज द राइट आंसर कहां का बेटा म्यांमार में जो होता है रोहिंग्या वो अल्पसंख्यक में पाए जाते हैं यहां पर ठीक है अगला देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन यहां से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट काल को पुलिसगर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है ठीक है इन विच फील्ड आउटस्टैंडिंग वर्क इज रिकॉग्नाइज फॉर पुलिदगर अवार्ड विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साहित्य और, और पत्रकारिता मतलब लिटरेचर और जर्नलिज्म अंतरराष्ट्रीय सूझबूझ मतलब इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग पर्यावरण अध्ययन मतलब एनवायरमेंटल स्टडीज तो जल्दी से बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुलिसगर पुरस्कार दिया जाता है जल्दी से बताइए बेटा जी बी आंसर सभी बच्चों के आ रहे हैं यहाँ पर कि भैया लिटरेचर और जर्नलिज्म तो लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए जो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है तो आंसर इसका क्या होगा बी आंसर होगा लिटरेचर एंड जर्नलिज्म के लिए ये अवार्ड दिया जाता है बेटा यहाँ पे ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं लिखा है न्यू सेकल किस देश के द्वारा अंगीकृत मुद्रा जैसे आपने देखा होगा कि आपके एग्जाम में आर्मी के कोई भी ट्रेड हो जो करेंसी होती है मुद्राएं और राजधानी वहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है ठीक है तो जैसे जापान की मुद्रा पूछ लिया जाता है चीन की मुद्रा पूछ लिया जाता है बांग्लादेश की मुद्रा पूछ लिया जाता है तो ये सब अलग अलग देशों की कुछ मुद्राएं हैं जो आपको याद रखनी है यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहां से ठीक है तो न्यू शकल जो है वो किस देश की मुद्रा है ये आपको बताना है बेटा यहां से ठीक है तो न्यू शकल जो है वो किसी ने आंसर सी दिया हुआ है क्या राजू ने आंसर सी दिया हुआ है और कौन बच्चा फटाफट आप लोग आंसर बताते जाइए मैं आपके कॉमेंट्स देख रहा हूं बच्चों सोहन कुमार का आंसर सी आया राकेश का आंसर सी आया कृष्णा का आंसर सी आया है सोहन यादव बिल्कुल सही सी वाले आंसर सही बेटा ये इजराइल की है मुद्रा किसकी है बेटा इजराइल के तो न्यू सेकेंड किस दौर, देश द्वारा मुद्रा अंगीकृत किया गया है ये इजराइल के द्वारा अंगीकृत किया गया है बेटा यहां से ठीक है देखिए जो भी बच्चा यहां पर आप लोग देखा होगा कि ग्रुप में जो आपका वॉरियर्स आर्मी योद्धा वन आर्मी योद्धा टू आर्मी योद्धा टू के भी अभी सारे बच्चे नहीं आए हुए हैं ठीक है तो आर्मी योद्धा टू के सारे बच्चे आ जाए अभी क्लास में यहाँ पे अगला देखिए क्या निम्नलिखित में से किसे दादा साहब फालके पुरस्कार नहीं मिला है तो आपको पता है कि यहां से देखिए श्याम बेनेगल को भी मिल चुका है मणाल सेन को भी मिल चुका है अडुल गोपाल कृष्णन को भी मिल चुका है सिर्फ देव जेपी दत्ता को नहीं मिला है तो यहां से आप लोग याद रखोगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जेपी दत्ता को नहीं मिला है बाकी और ऊपर जितने हैं इन सबको दादा साहब फालके पुरस्कार बच्चों मिल चुका है यहां से ठीक है अगला सवाल देखिए लिखा है उन्नीस नवंबर निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है नवंबर इज एज अ विच ऑफ द फॉलोइंग डेज तो 19 नवंबर आपको पता है कि डेज से भी सवाल आते हैं यहां से जो आपके एग्जाम में दिन दिवस से होते हैं चाहे अंतरराष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय हो वहां से भी आपके एग्जाम में बच्चों सवाल पूछे जाते हैं तो जल्दी बताइए कि यहां से क्या होगा 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाते हैं विश्व हरित निर्धनता दिवस शौचालय दिवस, दिवस या फिर स्वच्छ जल दिवस बिल्कुल सही शौचालय दिवस. दिवस का मतलब टॉयलेट डे मनाते हैं उन्नीस नवंबर को ठीक है तो उन्नीस जो को जो है वो टॉयलेट डे मनाया जाता है यहां से ठीक है तो जल्दी से बताइए यहां पर कि इसका क्या होगा बच्चों फटाफट ठीक है अगला देखिए बच्चों यहां पे कह रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है है क्वेश्चन पूछा गया 28 फरवरी के एग्जाम में ठीक है 28 फरवरी के एग्जाम में, में यह सवाल आ चुका है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो यहां से आंसर क्या होगा बिल्कुल सही आंसर सभी बच्चों ने दिया है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा तो सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसके द्वारा नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो दिया जाता है अगला सवाल देखते सेना में वीरता के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा है Which is the highest honor for gallantry in the army? तो सेना के लिए कौन सा यहां पर सबसे ज्यादा वीरता का अवार्ड है जो दिया जाता है मैंने कहा है किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बार बार उनको रिपीट करना है और वहीं से क्वेश्चन में आ जाएंगे भारत चक्र अशोक चक्र पीवीसी मतलब परमवीर चक्र या फिर महावीर चक्र जो जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर इसका ग्यारह का सी बिल्कुल सही आंसर है बेटा परमवीर चक्र होगा यहां से आंसर इसका क्या होगा बच्चों परमवीर चक्र होगा यहां से ठीक है अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है हु कॉन्फर्स इकबाल सम्मान तो इकबाल सम्मान कल जैसे हमने कहा था आपको कि तानतेन सम्मान कौन प्रदान करता है तो ये ऐसे ऐसे कुछ सम्मान है जो कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो जल्दी से बताइए बेटा कि इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश कौन देता है बेटा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है किसके द्वारा दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है साहित्य कला के क्षेत्र में किसके क्षेत्र में दिया जाता है बच्चों ये साहित्य एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है मतलब ये लिटरेचर एंड आर्ट मतलब आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र में यह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है इकबाल सम्मान ठीक है अगला सवाल देखिए पदमश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री का नाम क्या था हुआ द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू रिसीव पद्मश्री अवार्ड स्मिता पाटिल नरगिस दत्त मीना कुमारी या फिर मधुबाला अभी सभी बच्चे आए नहीं जो भी बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा जिससे डेली डेली उसको वीडियोस मिलती रहेंगी बेटा बाकी जो बच्चे अभी आर्मी योद्धा टू बैच और वन बैच के नहीं आए हैं मैं फिर कह रहा हूं जल्दी से सभी लोग आ जाइए बेटा यहाँ पे तो यहाँ से पद्मश्री पुरस्कार सी आंसर बहुत बहुत सारे बच्चों ने दिया है बी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया आप देखिए इसका आंसर बेटा कौन सा सही होगा नरगिस दत्त को मिला है किसको मिला नरगिस दत्त प्रथम भारतीय हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार मिला मिल चुका है या पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया है ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है द गोल्डन गेट के रचयिता कौन है गोल्डन गेट एक उप नोवेल है क्या है ये ये एक नोवेल है ठीक है मतलब उपन्यास है किसका उपन्यास है ये गोल्डन गेट जल्दी से आप सभी बताइए ऑनेस्ट अमिताभ घोष का ऑनेस्ट हैमिगवे का सर वॉल्टर स्कॉट का या फिर विक्रम सेठ का तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का आंसर डी होगा यहां से किसी आंसर विकास पांडे का आंसर डी आया है ठीक है एम के डी क्लासेस का आंसर डी आया है बिल्कुल सही आंसर बच्चों तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया ये एक उपन्यास है जिसका नाम है गोल्डन गेट ठीक है तो यहां से आंसर क्या होगा इसका डी होगा इसका आंसर अगला देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो जल्दी से बताइए हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट बोथ द नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल्स ठीक है तो नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था जो दोनों उस पर गया हुआ है ठीक है किसी का आंसर आया यहां पर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का आंसर ए बहुत सारे बच्चों ने दिया है बहुत सारे बच्चों ने बी दिया हुआ आंसर तो बी इज द राइट आंसर यहां से होगा रोलन एमुंडसेन तो रोआल्ड एम जो है ये दोनों साउथ और नॉर्थ दोनों पोल पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैंने कहा था इस बार से क्वेश्चन में वो लेके आऊंगा जो बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम के लिए हैं तो ये वही क्वेश्चन अब आसान आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते आपने देख लिया होगा पेपर अट्ठाइस फरवरी और मार्च वाला ठीक है अगला क्वेश्चन लिखा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पूछ रहा है यहां यह नहीं पूछ रहा है कि हरित क्रांति का जनक कौन है यह बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है यहां पर यहां क्या पूछ रहा है हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सोच समझ के आंसर दीजिएगा यहां पर कि हरित क्रांति का शब्द सबसे पहले किसने किया था हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले यूएस के पूर्व डायरेक्टर ठीक है किसने दिया था यू यूनाइटेड स्टेट के पूर्व डायरेक्टर ठीक है पूर्व डायरेक्टर विलियम ग्रेड ने दिया था किस किसने दिया था विलियम गैंड इनको भी कहते हैं ठीक है किसने विलियम गैंड कहते हैं इन्होंने दिया था सबसे पहले इसका शब्द हरित क्रांति का शब्द यहां से याद रखिएगा ठीक है वीडियो क्वालिटी अच्छा चा, अच्छा चाहिए वीडियो क्वालिटी अच्छा आप अपने फोन पे देखिए उसको थोड़ा सा 360 कर लीजिए आपको क्वालिटी अच्छी मिलने लगेगी तो यहाँ पर क्या हरित क्रांति का भारत में अगर आपको जनक पूछे कि कौन है यहां से तो एम एस स्वामीनाथन है एम एस स्वामीनाथन है यहाँ पर ये भारत में इसके जनक है ठीक है क्या है बच्चों भारत में इसके जनक नॉर्मान बोरलाग ये विश्व में इसके जनक है ठीक है विश्व में इसके जनक हैं हरित क्रांति के लेकिन यहां सवाल देखिए कैसे आपसे घुमा के पूछ लिया गया कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था तो हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम ग्रैंड ने किया था यहां से ठीक है अगले सवाल पे आते हैं हम लोग कह रहे एनपी एनपीके का संबंध किससे है आपने देखा होगा जो बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे एनपीके के बोरी आती जिसमें लिखा होगा बारह बत्तीस सोलह ये लिखा होता है ना यहाँ से ये यह परसेंटेज होता है ये आपका होता है यहाँ से क्या नाइट्रोजन होता है ये आपका ठीक है जल्दी से बताइए आप लोग आंसर ये आपका फास्फोरस होता है बेटा क्या होता है ये फास्फोरस होता है और ये यह आपका यहाँ से पोटेशियम होता है ठीक है तो ये खाद होती है क्या होती है बेटा खाद होती है इसे हम मिक्स्ड फर्टिलाइजर भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको इसको मिक्स्ड फर्टिलाइजर भी कहते हैं मतलब मिक्स्ड खाद भी कहते हैं तो यहाँ आंसर क्या होगा रासायनिक खाद के रूप में बाई केमिकल फर्टिलाइजर तो एनपीके का संबंध किससे है केमिकल फर्टिलाइजर से एनपीके का संबंध है ठीक है बच्चों यहाँ से चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अगला कह रहा है काली मुद्रा क्या है व्हाट इज ब्लैक मनी आप सभी को पता है कि ब्लैक मनी क्या होती है तो जल्दी से बताइए आंसर यहां पर options के यहां पर के अकॉर्डिंग कि क्या, क्या अवैध मुद्रा है जाली मुद्रा है गंदी या खराब मुद्रा है या अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है ठीक है जल्दी से बताइए यहां पर क्या होगा अवैध मुद्रा है क्या है यहां पर ठीक है देखो अभी तक मैंने दो दिन से कोड तो नहीं बताया आज जो आर्मी योद्धा वन आर्मी योद्धा टू का ग्रुप है ना उसमें ग्रुप में मैं कोई भी मटेरियल नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग बहुत नालायक हो चुके हो ना पढ़ते लिखते बिल्कुल नहीं हो बस सिर्फ डाउट ही पूछते हो अभी मैं बीच बीच में क्लास में किसी भी टाइम मैं एक कोड बता दूंगा अभी ठीक है और वो कोड जो मुझे मैसेज करेगा वो कोड को लेकर के उसी को मैं सीधा पर्सनली भेज दूंगा ग्रुप्स पे मैं नहीं डालूंगा इसलिए कह रहा हूं आर्मी योद्धा टू वाले सभी के सभी अभी भी टाइम है आ जाइए जल्दी से आप सभी लोग देखिए ये एक अवैध मुद्रा ये एक अवैध आय है ठीक है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता इट इज़ अ इलीगल इनकम मतलब इलीगल इनकम होता है जिस इनकम का सोर्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बता नहीं सकते हो ठीक है तो उसको क्या कहते हैं काली मुद्रा कहते हैं ठीक है अभी ऐड कर लिया जाएगा आपको ग्रुप में अगला लिखा स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था ठीक है तो स्वतंत्र भारत का सबसे पहले तो ये याद करो कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे और वित्त मंत्री अगर पता होगा तब पता होगा कि यहाँ पर भैया किसने जो है वो सबसे पहले बजट जो है वो पेश किया था यहां से ठीक है तो जल्दी से बताइए मोदी क्या लिखा विजय माल्या नीरो मोदी हाँ समझ में आ गया बेटा बस इससे ज्यादा नाम नहीं लेते तो स्वतंत्र भारत का बजट जो है किसने किया था रिडू मुगम चट्टी ये जो रिडू मुगम चट्टी हैं ये भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे क्या थे बेटा ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे मतलब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे यहाँ पे ठीक है और फाइनेंस मिनिस्टर थे यहां पर ये इन्होंने क्या किया था सबसे पहले स्वतंत्र भारत का बजट इन्होंने दिया हुआ था ठीक है अगला देखिए क्या कह रहा है स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है द टर्म स्मार्ट मनी इज यूज इंटरनेट बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड में बैंक के बचत खाते में बैंक के चालू खाते में इन इंटरनेट बैंकिंग इन क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट करेंट अकाउंट इन बैंक किस में होता है जल्दी से आप लोग सभी बताइए यहाँ पे कि स्मार्ट मनी वर्ड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है क्रेडिट कार्ड में इस्तेमाल किया जाता है कहां इस्तेमाल किया जाता है इन द क्रेडिट कार्ड तो राइट आंसर इज स्मार्ट स्मार्ट मनी फॉर क्रेडिट कार्ड ओके यहां से समझ में आ गया होगा बेचा अगला देखिए लिखा है इर्डा नियमन करती है किसका ये कई बार सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया गया यहां से कि इर्डा का संबंध किससे है या इर्डा जो है वो किससे करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ठीक है तो ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है तो आई आर डी ए इरडा तो इरिडा का फुल फॉर्म किससे यह बीमा क्षेत्र को नियमन करता है किसका बीमा कंपनियों का तो यहां से आंसर क्या होगा इंश्योरेंस कंपनियों का कई सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका आपको अगर फुल फॉर्म पता है तो वहां से भी आप आंसर लिख सकते हो जैसे यहां पर इंश्योरेंस फॉर्म है कि तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है यहां से किससे बीमा कंपनियों का ही नियमन होगा ये ठीक है अगला देखिए क्या भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से किस दिन मान्यता मिली जल्दी से बताइए ऑन विच डे डि नेशनल एंथम ऑफ इंडिया गेट ऑफिशियल रिकॉग्निशन ठीक है भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता किस दिन प्राप्त हुई यहां से जल्दी बताइए बेटा क्या होगा यहां से आंसर फटाफट आप सभी लोग ए आंसर 24 जनवरी 1950 सभी बच्चों का आंसर यहां पर ए आ रहा है बेटा क्या आ रहा है चौबीस जनवरी 1950 यही इसका राइट आंसर है कि चौबीस जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता दी गई ठीक है अगला लिखा महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ है जल्दी बताइए वेयर इज महात्मा गांधी नेशनल मरियन पार्क तो महात्मा गांधी नेशनल मरियन पार्क कहाँ पर स्थित है ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ठीक है ये भी क्वेश्चन

कोयला क्षेत्र से लो अयस्क के क्षेत्र से मैग्नीस के क्षेत्र से किस क्षेत्र से संबंधित है पश्चिम बंगाल का रानीगंज तो जल्दी से बताइए बेटा रानीगंज किससे संबंधित है क्या ये कोयला क्षेत्र से संबंधित है मैगनीस से, से संबंधित है या फिर कोयले कॉपर से बिल्कुल सही आंसर है रानीगंज जो है वो कोयले की खदान जो कोल फील्ड होता है उससे संबंधित है ये ठीक है अगले सवाल पे आते हैं हम लोग है भारत में रेल डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं आर द ट्रेन कोचेज मेड इन इंडिया जमशेदपुर और पैरमपुर कपूरथला पेरमपुर हैदराबाद पैरमपुर या फिर वाराणसी और पेरमपुर तो जल्दी से आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर का आंसर बी अभिषेक का आंसर बी आ गया है सोहन का आंसर भी बी आया है काव्या राजपूत का भी आंसर बी आया है बाकी सभी बच्चे जो है इसका बी आंसर दे रहे हैं जो कि सही आंसर है यहां से ठीक है कपूरथला तथा पेयम पेयंबूर तो कपूरथला और पेयंबूर में जो है आर्मी के जो डिब्बे होते हैं उनका फॉर्मेशन किया जाता है बच्चों अगला सवाल देखिए पारा दीप बंदरगाह कहाँ स्थित है आप सभी को पता है कि वेयर इज द पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड तो पारादीप पोर्ट कहाँ लोकेटेड है जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताइए यहां से कि पारादीप जो बंदरगाह है या पोर्ट है वो कहां संबंधित है उड़ीसा में है छब्बीस नंबर का क्वेश्चन डी आंसर सभी बच्चों ने यहां से आंसर क्या दिया हुआ है बेटा डी आंसर दिया हुआ है कि पारादीप कहां स्थित है उड़ीसा में स्थित है यहां से ठीक है अगला देखिए कृत्रिम झील गोविंद सागर कहां स्थित है जल्दी बताइए द आर्टिफिशियल लेक इज़ गोविंद सागर इज सिचुएटेड इन तो आर्टिफिशियल लेक जो गोविंद सागर है ये एक जो है मानव निर्मित झील है ठीक है एक चीज तो याद रखोगे क्या है ये ये मैन मेड लेक है कौन सी लेक है बच्चों मानव निर्मित झील है ये ठीक है अच्छा एक चीज और याद रखोगे कि इसका जब आप भारत का नक्शा देखोगे तो भारत के नक्शे पर ये बहुत अच्छे से चित्रित दिखती है आपको ये ठीक है ये चित्रित दिखती है ये है कहाँ ये हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में स्थित है कहा स्थित है बेटा ये ये हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में स्थित है ठीक है तो हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में कौन स्थित है गोविंद झील ये यहां से स्थित है तो उत्तर प्रदेश, ओ, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत सागर है क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा गोविंद वल्लभ पंत सागर यहां क्या पूछ रहा है करतिम झील गोविंद सागर है दोनों में डिफरेंस है यह जो सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह उनके नाम पर रखा गया है यहां पे तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा क्या होगा उत्तर प्रदेश जितने बच्चे आंसर लगा रहे मैंने मैं समझा चुका हूं कि आंसर इसका क्या होगा डी होगा मानव निर्मित झील है हिमाचल प्रदेश के विलासपुर में यह स्थित है भारत के नक्शे पर बहुत अच्छे से यह चित्रित है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यहां से बात करते हैं हम लोग लिखा है नंदा देवी शिखर कहां स्थित है तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा वेयर इज द नंदा देवी पीक इज लोकेटेड तो नंदा देवी जो पीक है वो कहां लोकेटेड है जल्दी से बताइए यहां पर कि कहां लोकेटेड है जल्दी से बताइए नंदा देवी कहां स्थित है नंदा देवी कोई आंसर उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर यहां से नंदा देवी कहां स्थित है उत्तराखंड में स्थित है यहां से ठीक है उत्तराखंड में नंदा देवी स्थित है ठीक है हमने कहा था ना कि आप लोग 240 और लगभग वो मिलाकर के uh, 300 लोग हो कितने लोग पढ़ाई कर रहे हो 91 पे पढ़ाई कर रहे हो आप लोग ठीक है तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा जरा ध्यान से ठीक है आज का जो पासवर्ड है जो ये कोड बताएगा मुझे क्लास के बाद मैसेज करेगा उसी को मैं यहां से दूंगा ठीक है तो कोड जो है वो है आपका दो ठीक है कोड क्या है दो है इस कोड को याद रखना ठीक है क्या है दो है इस कोड का नाम 93 लोग देख रहे हो सिर्फ इतने बच्चों को मैं सेंड करूंगा बस सिर्फ ठीक है तो 90 कोड यहां से याद रखना दो कोड है जो बच्चा ये कोड हमको मैसेज करेगा उसको मैं जो हूँ वो क्लास का जो है चीज़ें में भेजूंगा बाकी आप लोग बिल्कुल भी और कोई मत करिए रिवील नहीं करना किसी को क्यों क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं हम उन्हीं के साथ मेहनत करेंगे ना जो बिल्कुल सिर्फ टाइम पास करते हैं उनके लिए थोड़ी ना मेहनत करेंगे ठीक है बिल्कुल अब कोई भी रिपीट नहीं करेगा इस कोड को अपने आप कहीं लिख लो या याद रखना कोई भी रिपीट नहीं करेगा बच्चों चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा क्या है कह रहा है सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन नदियों से संबंधित आपको सुंदरवन पता है कि ये पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है इसमें उपस्थित है दोनों में ठीक है तो से यहां से जल्दी से बताइए कि यहाँ से जो ये है सुंदरवन वो किस किन नदियों से यहाँ पे संबंधित है जल्दी से बताइए यहां पर मैसेज किस पर करना है वो मैं आपको बता दूंगा अभी एंड में ठीक है तो सुंदरवन जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र होगा गंगा दामोदर होगा कृष्णा होगा क्या होगा तो यहां क्या होगा गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र पर पर स्थित स्थित है है किस सुंदरवन डेल्टा स्थित है बेटा अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबू भू सीमा मिलती है तो ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया शेयर करता है सबसे ज्यादा वो कौन सा है नेपाल है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है है। या फिर चीन है? जल्दी से आप सभी बच्चे आंसर वो किससे रिलेटेड है वो, वो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है भारत अगले सवाल पे आते हैं बेटा हम लोग कह रहा है कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है इसमें बताइए जल्दी से आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ठीक है आप लोग आंसर बताइए तब तक मैं यहां पर लिख रहा हूं यह भारत के आठ राज्यों से होकर के गुजरती है बेटा ठीक है कौन कौन से राज्य हैं एक तो आपका गुजरात हो गया राजस्थान हो गया बेटा ठीक है क्या हो गया राजस्थान हो गया मध्य प्रदेश हो गया है ना मध्य प्रदेश ठीक है उसके बाद कौन कौन से बता छत्तीसगढ़ और झारखंड ठीक है कौन सा है छत्तीसगढ़ झारखंड है ना इन राज्यों से होकर के गुजरती आपको याद भी रखना है यहां से ठीक है पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम तीन राज्य और हैं बेटा एक कौन सा है पश्चिम बंगाल है अगला त्रिपुरा है अगला मिजोरम है तो देखिए यहां पर आठ राज्य हो गए यहां से तो यह भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती सबसे ऊपर से सबसे नीचे से या मध्य से तो आपको याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती मान लो इंडिया है तो बीचों बीच से होकर के गुजरती है कहां से भारत के आठ स्टेट से गुजरती कौन कौन से गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम तो देखिए यहां पश्चिम बंगाल भी है त्रिपुरा भी है गुजरात भी आंसर क्या होगा इसका उड़ीसा हो होगा तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है बाकी और सब जगह से गुजरती है ठीक है अगला सवाल देखिए एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं वेयर आर द एशियाटिक लाइन फाउंड एशियाटिक लाइन क्या गिर में पाए जाते हैं दुधवा में पाए जाते हैं मानस में पाए जाते हैं या फिर काजीरंगा में पाए जाते हैं जल्दी से बताइए कहाँ पाए जाते हैं बेटा यहाँ पर एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं फटाफट आंसर बताइए यहाँ से बाकी चीज़ों और मत करिए मैं अभी लास्ट में आपको कांटेक्ट भी बता दूंगा किस पे मैसेज करना है कहां से आपको ग्रुप्स में एडिंग मिल जाएगी कहां से आपको नोट्स मिलती रहेंगी ठीक है जो बच्चे यहां पर देख रहे हैं जो हमको डाउट्स भेजते हैं वो जानते होंगे कि कितने अभी मैं आने के पहले डेढ़ बजे तक मैंने बच्चों के जो है वो डाउट्स मैंने सॉल्व किए हैं डेढ़ बजे तक ठीक है तो आप लोगों के डाउट सॉल्व करना तब अच्छा लगता है जब आप लोग पढ़ते हो यहां लाइव क्लास में मुझे दिखते हो तो ठीक है ऐसे थोड़ी ना कि मैं सब दे देता भी रहूं और करता भी रहूं आप लोग बिल्कुल पढ़ाई ना करो यहाँ से तो जल्दी से बताइए गिर रहा बिल्कुल सही आंसर यहाँ से क्या होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहां पर एशियाई शेर या जो एशियाटिक लाइन होते हैं ये पाए जाते हैं यहां पर ठीक है अगला लिखा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है हु इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया जल्दी से बताइए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते किसे कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड ठीक है जल्दी से बताइए बेटा भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहते हैं बिल्कुल सही आंसर यहाँ से सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है सही आंसर क्या लगाओगे इसका कश्मीर लगाओगे कि कश्मीर को क्या कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं यहाँ से ठीक है अगला लिखा है खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है वॉट इज खेतड़ी इज फेमस फॉर तो खेतड़ी जो है वो किसके लिए देखो ये एक राजस्थान में खेतड़ी नगर पड़ता है कहां पड़ता है बेटा मैं स्टेट बता रहा हूं आप लोग आंसर बताइए राजस्थान में एक खेतड़ी नगर है ये उसी के नाम पर फेमस है लेकिन यहां आपको बताना कि किसके लिए फेमस है खेतड़ी ये ठीक है तो खेतड़ी जो है आंसर आ रहे हैं सबके नीरज कुमार का आंसर बी आया तांबा बिल्कुल सही आंसर यहां पे सभी जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके हमेशा आंसर करेक्ट आते सिर्फ एक ही दो आंसर उनके जो है वो गलत होते हैं तो यहां से आंसर क्या होगा तांबा होगा किससे संबंधित बेटा कॉपर तो खेतड़ी इज फेमस फॉर कॉपर कॉपर के लिए खेतड़ी क्या है फेमस है यहां से ठीक है अगले सवाल देखिए भारत में बाक्साइड का सर्वाधिक उत्पाद न कौन सा राज्य करता है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड इन इंडिया यहाँ पे ठीक है तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि भारत में बॉक्साइड का सबसे ज्यादा उत्पादक देखिए ये दो चार क्वेश्चन जैसे अबरक हो गया बॉक्साइड हो गया तांबा हो गया सोना हो गया चांदी हो गया चावल हो गया गेहूँ हो गया इनके सबके जो सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य हैं उनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और बनने की संभावनाएं हैं यहाँ पर तो बॉक्साइड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बी आंसर सभी बच्चों का सही है क्या हो गया बेचा उड़ीसा क्या होगा बच्चों यहां से उड़ीसा तो उड़ीसा में जो है वो भारत में सबसे ज्यादा बाक्साइड उत्पादन कहां होता है उड़ीसा में होता है यहां से ठीक है अगला सवाल सर्वाधिक सोने का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है तो यहां जल्दी से बताइए कि सर्वाधिक सोने का मतलब यहां से कि हाइएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट हाइएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ गोल्ड ठीक है तो गोल्ड का हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट यहाँ पे कौन है जो गोल्ड का सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग करता है यहां से ठीक है तो जल्दी से आपको बताइए यहां पर सर्वाधिक सोना कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर कर्नाटक में आपको पता कौन सी खान है कोलार ठीक है क्या बेटा कोलार यहां से है अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है भारत में कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है विच स्टेट ऑफ इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर तो यहां जल्दी से बताइए कि सिल्वर जो होता है चांदी उसके उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान रखता है यहां से ठीक है प्रथम स्थान रखता है जल्दी से बताइए आप सभी लोग यहां पर अभी भी टाइम है आप सभी लोग जितने ग्रुप आर्मी योद्धा ग्रुप वन आर्मी योद्धा ग्रुप टू से जितने भी आ जाओगे ठीक है मैं भी एंड में भी एक बताऊंगा जितने बच्चों ने कोर्ट देख लिया है ठीक है एंड में अगर मान लीजिए और ज्यादा बच्चे आते हैं तो एंड में आधे घंटे तक 40 मिनट तक काम चलता है यहाँ से ठीक है उसके बाद नहीं चलता चांदी सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी ने आंसर राजस्थान दिया है क्या सी आंसर काफी सारे बच्चों का आया है मध्य प्रदेश नहीं बेटा राजस्थान होगा यहां से क्या होगा राजस्थान होगा तो भारत में कौन सा राज्य चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो राजस्थान रखता है ठीक है अगला देखिए सवाल क्या कह रहा है कोलेरू झील भारत के किस राज्य में पाई जाती है इन विच इंडियन स्टेट इज द कोलेरू लेक इज लोकेटेड तो कोलेरू लेक जो है वो कौन से राज्य में भारत के लोकेटेड है यहां से जो जल्दी से बताइए बेटा कोलेरू लेक किस में स्थित है आंध्र प्रदेश में है महार केरल में है महाराष्ट्र में है तेलंगाना में है जी सभी बच्चे ए आंसर दे रहे हैं तो कोलेरू झील जो है वो भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है कहाँ स्थित है बेटा आंध्र प्रदेश इज द राइट right आंसर फॉर कोलेरू लेक यहाँ से ठीक है अगला सवाल देखिए लोनार झील ये यहाँ से लिख गया थोड़ा सा गड़बड़ लोना झील लिख गया है यहाँ लिखोगे लोनार झील ठीक है इसमें बैक्टीरिया की वजह से इसका पानी पिछले साल पिंक हो गया था गुलाबी हो गया था ठीक है इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आ सकता है आपसे कि लोनार झील कहाँ स्थित है लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में तो जितने बच्चों ने महाराष्ट्र आंसर दिया है उन सभी बच्चों का महाराष्ट्र सही आंसर है बेटा यहाँ से ठीक है अगला सवाल देखिए क्या है अगला कह रहा है किस देश को सफेद हाथियों का भूमि कहा जाता है विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट तो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किस को कहा जाता है जल्दी से बताइए बेटा यहां पे कि क्या आंसर होगा इसका लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट क्या होगा यहाँ से आंसर फटाफट फड़ बताते जाइए थाईलैंड को कहते हैं कीनिया को कहते हैं जापान को कहते हैं या फिर लाओस को कहते हैं किसको कहते हैं यहां से ए आंसर आने सभी बच्चों को करेक्ट आंसर यहां से है किसको कहते हैं थाईलैंड को कहते हैं तो जो थाईलैंड है यहाँ से इसको क्या कहते हैं सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं बेटा ठीक है अगला देखिए क्या है उगते सूरज का देश किसे कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए आंसर यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से बिल्कुल फंसने वाला एग्ज़ाम है बेटा ठीक है तो विच विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन नॉर्वे फिलीपीन इंग्लैंड या फिर जापान तो यहां से आंसर सभी बच्चे डी आंसर यहां से दे रहे विशाल पांडे धीरज अमन गोलू ममता मालविका पुष्पेंद्र अंकुश रोहन फौजदार लोमेश श्रवन हरिओम राजकिशोर ठीक है सबके आंसर यहां पे सही आ रहे बेटा क्या होगा इसका जापान होगा और अगर मिड नाइट सेल पूछे मध्यरात्रि का अगर आपसे पूछे तो इसको किसको कहते हैं नार्वे को कहते हैं ठीक है मध्यरात्रि का सूर्य किसको कहते हैं बेटा ये नार्वे को कहते हैं तो दो सवाल ये याद रखिएगा आ सकते हैं यहां क्वेश्चन अगला सवाल देखिए कंगारुओं का देश किसे

चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर कह रहा है सात पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं जल्दी से बताइए बेटा पर आंसर क्या होगा कि सात पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं बर्लिन को कहते हैं बर्न को कहते हैं या फिर पेरिस को कहते हैं हु इज कंसिडर एज द सिटी ऑफ सेवन हिल्स ठीक है city of seven hills. तो सिटी ऑफ सेवन हिल्स किसे कहा जाता है जल्दी से बताइए ए आंसर सभी बच्चों के आंसर यहां से आ रहे हैं रोम क्या होगा बेटा यहां से आंसर रोम को कहते हैं सात पहाड़ियों का नगर कहते हैं अगला सवाल देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे ठीक है हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु या फिर पॉलिटिकल टीचर ऑफ महात्मा गांधी तो जल्दी से बताइए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल टीचर कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले थे बाल गंगाधर तिलक थे अरविंद घोष थे या फिर लाला लाजपत राय थे ए आंसर बिल्कुल सभी बच्चों का यहाँ पर ए आंसर चल रहा है कि क्या होगा महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले थे ठीक है ये भी याद रखिएगा सवाल फंस सकता है आपके एग्जाम में बच्चों यहाँ से अगला लिखा स्वराज हमारा जन्म अधिकार है यह प्रसिद्ध व्यक्ति किसकी है तो इन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूंगा स्वराज इज इज अवर बर्थ ठीक है बर्थ राइट आई सेल टेक इट तो ये किसने कहा था बेटा लाला लाजपत राय ने कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था किसने कहा था यहां से जल्दी से बताइए बेटा यहां पे क्या आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही आंसर यहाँ से जितने भी बाल गंगाधर तिलक बी आंसर लगाया है उनके आंसर सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था हु जा सांची स्तूपा तो जल्दी से बताइए यहाँ पर कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बेटा यहाँ से क्वेश्चन में फटाफट आप लोग आंसर बताते जाइए जल्दी से कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स का आंसर क्या होगा अशोक ने करवाया था सी आंसर सभी बच्चे के आ रहे हैं यहाँ पर निराला कुमार जी ने डी आंसर दिया नहीं बेटा कनिष्क नहीं होगा सी आंसर सब के आ रहे हैं नीरज कुमार का भी डी आंसर बेटा डी नहीं होगा यहां से और कौन डी दे रहा है बी विनय कुमार जी बी भी, भी नहीं होगा इसका आंसर अशोक आंसर यहां से होगा क्या होगा इसका आंसर अशोका होगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था बच्चों अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण ठीक है अगला सवाल देखिए यहां से क्या कह रहा है बच्चों कह रहा है भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे यहां पे तो किस वंश के साफ मतलब फर्स्टली इशूड गोल्डन कॉइन तो यहां से इसका इंग्लिश में करोगे तो यहां लिखोगे व्हिच रूलर फर्स्टली फर्स्टली इशूड गोल्ड क्वाइन तो जल्दी से बताइए कि विच रूलर फर्स्टली इशूड इशूड द गोल्ड क्वाइन ठीक है तो इंडो ग्रीक इसको कहते हैं इंडो ग्रीक कहते हैं इसको ठीक है इंडो ग्रीक कहते हैं इसे ये होता है शकाज हो जाएंगे आपके शक ये आ जाएंगे पहलवाज आपके आ जाएंगे और ये आ जाएंगे आपके कुशाणा ठीक है इंडो ग्रीक इंडो ग्रीक को कहते हैं हिंद यूनानी क्या कहते हैं हिंद यूनानी कहते हैं इन्होंने ही सबसे पहले जो है वो क्या चलाए थे भारत में सोने के सिक्के चलाए थे तो आंसर क्या होगा इसका इंडो ग्रीक होगा यहां से अगला सवाल देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी तो जल्दी से बताइए कि गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर क्या होगा अभी वो दूसरी वाली लगानी पड़ेगी क्योंकि इसमें क्वेश्चन कम है तो यहाँ से जल्दी से बताइए कि कौन भैया जो गुप्ता संस्थापक का यहाँ पे था गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक था श्री गुप्त था 48 का आंसर सी होगा यहाँ से क्या होगा श्री गुप्त थे गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे बेटा यहाँ से ठीक है अगला लिखा किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया जल्दी से बताइए विच गुप्ता रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया जो भी बच्चा नया है चैनल को जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर लेगा जिससे डेली दो बजे की जो भी क्लासेस हैं आपको मिलती रहेंगी यहाँ से पंद्रह तारीख से आपकी तीन घंटे की क्लासेस बेटा चलना शुरू हो रही हैं कब से पंद्रह मई से ये भी नोट कर लीजिएगा तीन घंटे क्लासेज आपकी चलेंगी थ्री आर क्लासेज ठीक है आपकी साइंस चलेगी जो कि मैं आपको साइंस और जी के पढ़ा ही रहा हूँ यहाँ पे उसके बाद आपकी मैथ चलेगी क्लासेस यहाँ से है ना डेली एक घंटा मैथ चलेगी एक घंटा साइंस जी के चलेगी उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर आपकी इंग्लिश चलेगी क्लास और इंग्लिश के बाद जिन बच्चों का क्या है रीजनिंग है जी के लिए उनका चलेगा यहाँ से तो ये सारी क्लासेज आपको मिलने वाली हैं बेटा तो यहाँ से समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त को क्या कहा जाता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है अगला सवाल देखिए चीनी यात्री

ठीक है अगला देखो क्वेश्चन लिखा सत्यमेव जैते कहां से लिया गया है सत्यमेव जैते इज डेराइव फ्रॉम जल्दी से बताइए बेटा कि सत्यमेव जैते जैते कहां से डेराइव किया गया है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन देखिए संसद का शेर जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहा जाता है किसको कहा जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहा जाता है ठीक है जतिन कोई है लड़का वो क्लास अभी भी नहीं देख रहे हो आप जतिन क्या यार ये तो वक्त प्रॉब्लम डाउट पूछने का नहीं है ना जल्दी से बताइए मुंडको उपनिषद से लिया गया है कहाँ से लिया गया बेटा मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जैते अगला सवाल देखिए मेघदूत के लेखक कौन है हु इज द ऑथर ऑफ द मेघदूता तो जल्दी से बताइए कि मेघदूत के लेखक कौन है बेटा यहाँ से फटाफट फटा आप लोग बताइए मेघदूत दूत कालीदास तुलसीदास कौटिल्य कौन है यहाँ से ठीक का। है कालिदास तुलसीदास कौन दास है यहां से मेघदूत के लेखक कौन है बेटा मेघदूत के लेखक कालिदास है यहां से कौन है बेटा कालिदास है मेघदूत के लेखक ठीक है अगला लिखा है सौर का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जल्दी से बताइए यहां से कि विच इज द लार्जेस्ट प्लानेट ऑफ सोलर सिस्टम तो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बृहस्पति है बुद्ध है शुक्र है इनमें से कोई नहीं है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर बेटा सोलर मंडल जो सौर मंडल होता है सोलर सिस्टम होता है इसका सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा बृहस्पति है जिसको क्या कहते हैं हम जुपिटर कहते हैं बेटा ठीक है क्या कहते हैं जुपिटर कहते हैं यहां से ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इनमें से कौन सा संसद का अंग नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट आपको पता है जो संसद होती है आप सभी को जानते हैं बेटा संसद पार्लियामेंट ठीक है संसद पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं एक होता है यहां से राज्यसभा दूसरा होता है आपका लोकसभा और तीसरा जो आपका होता है वो होते हैं राष्ट्रपति तो ये संसद के तीन अंग होते हैं कौन कौन से लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं तो यहां से मुख्य न्यायाधीश जो होता है चीफ जस्टिस ये नहीं होता संसद का अंग ठीक है अगला देखिए चिल्का झील है? है? चिल्का लेक लोकेटेड जल्दी से बताइए बेटा यहां से कि चिल्का लेक कहा स्थित है ठीक है कहां स्थित बेटा चिल्का लेक उड़ीसा में बिहार में प्रदेश में या फिर इनमें से कोई नहीं कहाँ है नेम बोल दीजिए नीरज कुमार शिवान आपका पहले बेटा नाम हमने बोल दिया था बच्चे जल्दी से बताइए चिल्का लेक कहाँ स्थित है बिल्कुल सही आंसर है चिल्का झील उड़ीसा में है यहां पर क्या है नौसेना का प्रशिक्षण भी होता है यहाँ से मतलब नेवी का ट्रेनिंग भी होता है यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है ये ठीक है ये क्या है ये एक लगून भी है अगला देखिए सवाल प्रथम भारतीय विश्व सुंदरी कौन थी हु फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड ब्यूटी ठीक है तो यहां से भारत की प्रथम विश्व सुंदरी कौन थी बेटा रीता फारिया थी आरती साहू थी देविका रानी थी या फिर नरगिस थी बिल्कुल प्रिया सिंह जी बिल्कुल एसएससी एस की भी क्लास होगी यहाँ से रीता फारिया आरती साहा देविका रानी या फिर नरगिस सर मेना पूजा भट्ट बेटा आपका भी मैंने नाम ले लिया और किसका नाम लेना कहो तो सबके मैं नाम ही पढ़ा करूं ऐसे क्या करूं पढ़ा के कल से एक काम करेंगे ना आप लोग ऐसे ही कॉमेंट देते रहना मैं सबके नाम ही रीड करूंगा और फिर खूब सारी बातें की जाएंगी है ना क्या हाल चाल है कैसे चल रहा है क्या खाए पिए हो है ना यही सब बातें आराम से करेंगे बढ़िया से और एक घंटा ऐसे ही टाइम पास किया जाएगा ठीक है बच्चों चलिए देखो यहां से आंसर क्या होगा रीता फारिया होगा इसका आंसर ठीक है क्या होगा इसका आंसर रीता फारिया होगा जो कि भारत की प्रथम विश्व सुंदरी थी ठीक है अब देखिए यहां से कितने फिफ्टी सिक्स छ क्वेश्चन सर लगा दीजिए आकी जरा वो पहले वाली जो आपने लगाई थी वो लगा दीजिए आकी पीपीटीएफ क्योंकि उसमें हाँ हाँ पहले वाली यहीं पर क्योंकि उसमें सिक्सटी टू क्वेश्चन है इसमें कम है बच्चों एक मिनट जरा रुकिएगा इसमें कुछ क्वेश्चंस कम है दूसरी वाली में अगर इसकी पी चाहिए थी इसकी चलो बाद में कर दीजिएगा बस एक मिनट कोई जाएगा नहीं बेटा यहाँ से दूसरी वाली पीपीटी अभी क्वेश्चन जो है उसमें ज्यादा है तो उनको भी है उसमें लगाया जाएगा चालू हो गई अच्छा ठीक है चलिए देखिए यहाँ से फटाफट है ना कहा चला गया इधर आ गया है क्वेश्चन यहाँ से जो है वो 56 तक हुए थे याद है ना आप सबको 56 तक हुए थे शायद कितने हुए पचास इक्यावन बावन तिरपन चौवन पचपन छप्पन ये हो गया था ये नहीं हुआ था देखिए लिखा हुआ यहाँ से कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी जल्दी से बताइए यहाँ से कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी यहां से कि जो आरबीआई है वो कब स्टेब्लिश हुआ था RBI established. जल्दी से बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी बच्चों यहां से फटाफट आंसर बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी आप लोग आंसर देते जाइए बेटा फटाफट आंसर आते रहे सबके जी एक अप्रैल 1935 बिल्कुल सही आंसर है यहां से लेकिन इसमें आंसर मिल नहीं रहा है बेटा है ना क्या किया जाए भाई एक अप्रैल यहाँ तो आंसर कोई है नहीं 1935 तो इस सी को हम 25 को 35 कर लेते हैं फिर है ना थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है 1935 में हुई थी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी ठीक है अगला सवाल लिखा है सन 2022 में कॉमनवेल्थ गेम किस देश में आयोजित किया जाना है मतलब ट्वेंटी जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहां ऑर्गेनाइज किए जाएंगे ठीक है जल्दी से बताइए आयरलैंड में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड में कहां आयोजित किए जाएंगे सन 2022 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किया जाएगा बेटा जल्दी से बताइए इंग्लैंड में ठीक है तो इंग्लैंड ये लंदन के वर्किंगम में कहा से इस्तेमाल किया जाएगा इसका बेटा बर्किंगम यह यहां जो है आयोजित किया जाएगा 2022 का कॉमनवेल्थ गेम ठीक है अगला देखिए क्वेश्चन क्या है नेहरू गोल्ड कप किससे संबंधित है नेहरू गोल्ड कप इज रिलेटेड टू जल्दी से आंसर बताइए बेटा इसके नेहरू गोल्ड कप इज रिलेटेड टू किससे रिलेटेड नेहरू है? हॉकी से बास्केटबॉल से क्रिकेट से या फिर वॉलीबॉल से जल्दी से बताइए कि नेहरू गोल्ड कप का संबंध किससे है बेटा यहां से ठीक है हॉकी किसी का आंसर डी आर आ, वो आ रहा है क्या हॉकी बास्केटबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल ठीक है हॉकी ठीक है सही आंसर लगा दो बेटा यहां से अगला देखिए क्या कह रहा है कालिदास पुरस्कार किससे संबंधित है कालिदास अवार्ड इज रिलेटेड टू जल्दी से बताइए आंसर से क्या होगा बेटा कालिदासा अवार्ड इज रिलेटेड टू जल्दी से बताइए कालिदासा अवार्ड इज रिलेटेड टू संगीत के क्षेत्र में मतलब म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है आर्ट के क्षेत्र में या फिर फिलॉसफी के क्षेत्र में दिया जाता है जल्दी से बताइए यहां से कालिदास पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार देती है कौन देती है मध्य प्रदेश सरकार देती है और ये किसके लिए कला एवं अभिनय के लिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ से सभी बच्चों ने आंसर यहाँ सही दिया किसके क्षेत्र में दिया जाता है कला और अभिनय के क्षेत्र में अगला देखिए उबेर कप का संबंध किससे है विश्व महिला बैडमिंटन से विश्व महिला टेबल टेनिस से विश्व महिला लॉन टेनिस से तो जल्दी बताइए कि उबेर कप का संबंध किससे है उबेर कप का संबंध किससे है देखिए नेहरू कप का बिल्कुल एक फुटबॉल से भी होता है बेटा लेकिन उसमें ऑप्शंस नहीं था निराला जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो ठीक है आंसर में वहां नहीं था एक छोटा सा गोल्ड कप होता है जो इससे से संबंधित है तो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्योंकि वहां पर ऑप्शन नन ऑफ दीज भी नहीं था ठीक है जैसे कई सारे कप होते हैं जो एक कुछ में सेम पाए जाते हैं तो यहां से क्या होगा विश्व महिला बैडमिंटन से वोमन बैडमिंटन होगा यहां से आंसर उबेर कप का संबंध किससे है विश्व महिला बैडमिंटन से बेटा ठीक है अगला देखिए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए यहां से आंसर कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है बेटा विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए बेटा विश्व पर्यटन दिवस पांच जून को नहीं मनाया जाता है अच्छा देखिए यहां से दो क्वेश्चन होंगे यहां से होगा अगर मान लीजिए कि विश्व पर्यटन दिवस पूछा जाए जैसे यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा यहां से विश्व पर्यावरण दिवस तो इसकी अगर जगह हम बात करें तो ये पांच जून को मनाया जाता है ठीक है कहा मनाया जाता है बेटा ये पांच जून का मनाया जाता है थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गई है विश्व पर्यावरण अगर यहां मान लीजिए पर्यावरण होता ठीक है जो कि पर्यावरण ही था ओरिजिनल क्वेश्चन में तो यहां से आता ये अगर यहां से विश्व पर्यटन दिवस पूछ लिया जाए मान लो आपसे ठीक है तो विश्व पर्यटन दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या लगाओगे यहां से आंसर ये लगाओगे आप विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता, मना जाता है मना जाता 27 सितंबर को मनाया जाता है कब मनाया जाता है बेटा सत्ताईस सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस ठीक है अगला देखिए क्या बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्दा किस नाम से जानी जाती है तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो किस नाम से जानी जाती है रुपए पैसो टका डॉलर किससे जानी जाती है तो जल्दी से बताइए से आंसर क्या होगा इसका। जा से बताइए करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज नोन करेंसी ऑफ बांग्लादेश को क्या कहते टका कहते यहां से और बांग्लादेश की राजधानी क्या है आप सभी को पता है कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है बेटा ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल क्या है ढाका है और यहां क्या चलता है टका चलता है ठीक है तो पहले में पचास साठ क्वेश्चन जो भी थे छप्पन और यह मिला के लगभग सिक्सटी टू मैं अगली बार में कोशिश करूंगा कि आपको एक घंटे में सौ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दू। दूं कहां से दू मैं सौ क्वेश्चन यहां से मैं आपको सॉल्व करवा के दूं बिल्कुल यहां से यह बेटा कह रहा है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश ठीक है करेंसी ऑफ बांग्लादेश पूछ रहा है बेटा यहां से ठीक है चलिए देखिए हो गई क्लासेस एक कोड मैंने बताया था वो आप सभी लोग अभी लिखे रहिएगा क्लास के बाद सबके पास मेरा नंबर होगा मुझे मैसेज करिएगा ठीक है जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हैं ग्रुप पर तो मैंने बंद कर रखा मुझे पर्सनली करिएगा मैसेज उसको मैं नोट तुरंत भेज दूँगा दूसरी चीज़ जो अभी तक बच्चे मान लीजिए कुछ आधे घंटे लेट या 20-25 मिनट लेट बच्चे आए हैं तो मैंने पहला बताया था ये अगला मैं बता रहा हूँ वन टू नाइन ठीक है तो दोनों में से कोई भी कोड डालेंगे वो जा करके तो मैं उनको मैसेज कर दूंगा यहाँ से ठीक है मैं आपको ये भेजना कहाँ है अपना देखिए जो नया बच्चा है वो अपना नाम कोर्स ज़रूर मुझे भेज दीजिएगा कि नाम उसका क्या है कोर्स क्या है और वो कहाँ से है ये भेजिएगा यहाँ से ठीक है अगला देखिए बेटा ये जो है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एट एट फोर जीरो थर्टी टू सेवेंटी फाइव थर्टी थ्री ठीक है आप लोग नाम सेव कर सकते हो विक्रम सर डब्ल्यू डी ए ठीक है कहां से विक्रम सर डब्लू डी ए डब्ल्यू डी ए का मतलब WDA Soldier, Academy, 8840, 32, 75, पर आप कर सकते हो यहां से ठीक है देखिए कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि मैं सौ क्वेश्चन यहां से मैं लेके आऊं एक चीज मैं आपको और बता दूं अभी जाइएगा नहीं कोई लोग सौ क्वेश्चन तो मैं लेके आऊंगा ही आऊंगा यहां से उसके बाद देखिए ये पांच क्वेश्चन हमने जो है वो साइंस के करवा दिए थे पांच सेट पांच वीडियोस आई थी हमारी ये तीसरी वीडियो है जो कि जीके की है तो चार पांच दो दिन और आपको दो दिन में मैं आपको 200 क्वेश्चन करवा दूंगा 100 सौ क्वेश्चन कल से करवाऊंगा मैं यहां से ठीक है तो सौ सौ क्वेश्चन करवाऊंगा यहां से तो दो बार में आपको जो है 200 क्वेश्चन दो क्लास में हो जाएंगे उसके बाद ये पंद्रह तारीख तब तक आज कितनी है? आज आपकी तेरह हो गई है चौदह पंद्रह दो दिन हो गए पंद्रह तारीख से हमने आपसे कहा है कि मैथ तो और रीजनिंग और इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अरे ये मैसेज यहां पर मैंने कहा ना कि इस पर मैसेज आपको करना है यहां से ठीक है मैसेज आप अपना नाम लिख करके करिएगा यहां से मैसेज तो यहां से देखिएगा कि उसके बाद फिर मैं जो है वो स्पेशल क्लास लूंगा कैसे जैसे मान लीजिए मैंने आर्मी एन का एक क्लास भी मैंने बायोलॉजी ले लिया और कोई दो तीन टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया फिर मैंने मान लीजिए जी, जी का लिया और उसमें साइंस के जो है वो पांच छह टॉपिक ख़त्म कर दिया ट्रेडमैन के लिया तो जी ख़त्म कर दिया वहां पर तो ये ऐसे जो है वो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस लूंगा जब आपकी मैथ्स वगैरह या बाकी चीज़ें सब आपकी स्टार्ट हो जाएंगी तब यहां से केमिस्ट्री की क्लास बिल्कुल सोलह तारीख से मैं स्टार्ट कर दूंगा केमिस्ट्री बायोलॉजी

Ja, bitte.